कल से बारिश पड़ रही है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। मैं आया था सुबह ब्लड टेस्ट के लिए, वैसे ही रूटीन ब्लड टेस्ट मैं करवाता हूँ 4-5 महीने बाद, ताकि अंदर जो कमियाँ हैं विटामिंस की, आयरन की, कोई भी डेफिशिएंसी है वो मेरे को पता लग सके। मेरे पास है मेडिकेयर, पीआर है, मेरा कोई पैसा नहीं लिया इन्होंने। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप टेस्ट करवाते हो तो इंडिया में क्या होता है, एक्चुअली में टेस्ट करवाते हो आपको उसी टाइम खुद रिपोर्ट दे देते हैं कि भाई टेस्ट की ये तेरी रिपोर्ट आ गई है। लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो आपको नहीं मिलती, आपके डॉक्टर के पास जाती है सीधा। मैं अभी आया था ऑस्ट्रेलियन क्लिनिक लैब्स के ऊपर, बहुत सारे और भी हैं वो आप सर्च कर सकते हो। मेन मोटिव जो है ये बताने का, क्योंकि मैं पहले जाता था कहीं और, मॉडर्न में, मॉडर्न में सुबह 8:30 बजे खुल जाता है क्लिनिकल लैब्स आप टेस्ट वगैरह करवाने के लिए। मैंने इस बार सोचा कहीं और जाने का, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो है मेन रोड पे। मैं अभी आया हूँ कैंपबेल टाउन, वो है पीछे। सुबह का टाइम है, मैं आया हूँ यहाँ पर, सुबह का टाइम है, देखो जरा बारिश हो गई है तेज। पंगा ये भी था कि मैं यू टर्न यहाँ से नहीं ले सकता था, वहाँ पर यू टर्न था ही नहीं, अंदर जाना था मुझे लेकिन यू टर्न था ही नहीं, तो मैं गाड़ी जो है यहाँ पर पार्क करके आया हूँ ताकि मुझे जो इंतज़ार ना करना पड़े। सामने है ARC, जो कैंपबेल टाउन में रहते हैं उनको पता होगा ARC, और इसी के सामने है एम्पोल, ठीक है। जो मेन रोड के ऊपर था मॉडर्न क्लिनिक में ना बहुत ज़्यादा रश होता है एक्चुअली में, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर सर्च की क्लिनिकल लैब्स नज़दीक कौन सी है, पहले कभी ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि पहले मैं रहता था मॉडर्न, और मॉडर्न के नज़दीक मेरे बैक साइड के ऊपर ही था मॉडर्न क्लिनिक सेंटर, और वहाँ पर क्या था, रश बहुत होता था एक्चुअली में, ठीक है, रश होता था जिसकी वजह से इंतज़ार करना पड़ता था। यहाँ पर क्या सिस्टम है, आपको टोकन लेना पड़ता है, वहाँ पर टोकन पड़े होते हैं, आपने वो टोकन अपने आप उठा लेना है, और आगे से जो नर्स आएगी या आएगा वो आपको टोकन से आवाज़ मारेगा, 1 नंबर 2 नंबर। और जो क्लिनिकल लैब्स हैं कई जगह के ऊपर 8:30 बजे खुलते हैं, मॉडर्न में 8:30 बजे खुलते हैं, यहाँ पर 7:30 बजे खुलते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे क्या मिला, यहाँ पर कोई पेशेंट था ही नहीं, मतलब एक था मेरे आगे, एक था सिर्फ, जाते ही मेरा नंबर आ गया। लेकिन वहाँ पर आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। पीछे सरदार जी जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए अपने पोतरे को, बारिश है। तो पिछली बार जब मैं ये करवाया था टेस्ट, पिछले साल की बात है, तो डॉक्टर ने कहा था कि भाई तेरे में आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कमी आती है ना वो आती है विटामिन डी की, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि धूप हम जो है ले नहीं सकते हैं, उसकी वजह से विटामिन डी की कमी आ जाती है। तो आप भी रूटीन चेकअप करवाओ, मेडिकेयर के अंदर तो कोई पैसा नहीं लगा है, ठीक है, और अगर आपका प्राइवेट इंश्योरेंस है उससे पूछ कर, आपने उससे पूछना है कि भाई कितने पैसे लगेंगे। लग भी जाएंगे मेरे हिसाब से, एक बार मेरे को बिल जो आया था वो आया था $96 का, पता नहीं, लग भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जान है तो जहान है, मैं सीधी बात बताऊं, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, मैं तो कहता हूं आपको रूटीन चेकअप, इंश्योरेंस, सारी चीजें करवानी चाहिए, टू बी फ्रेंक, अपनी घर वालों की। आज हम समझते नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत आपको बेनिफिट करेगी। वो आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लो तो उससे पूछो कि क्या चीज़ें हमारे को मिलेंगी, ऐसे ही साइन मत कर देना, और सस्ती देखकर कभी भी मत लेना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पर आपका मेडिकेयर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कल को भगवान ना करे आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए तो प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट होगी। और प्राइवेट इंश्योरेंस लेने का बेनिफिट क्या है, कईयों के पास तो मेडिकेयर होता है लेकिन फिर भी प्राइवेट इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। अब मेरा ही किस्सा सुन लो, मेरे यहां पर चोट लगी थी, ये देखो, ठीक है, खून बहने लग गया था। मैं गया जी अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ऐसे नहीं है कि खराब है या देखते नहीं है, वो प्रायोरिटी देते हैं बंदे को और उसकी बीमारी को क्या है। जो बंदा मेरे से ज्यादा उसको इलाज चाहिए पहले करेंगे उसका, चाहे आपको 3 घंटे लग जाएं 4 घंटे लग जाएं, यहां पर भगता ये नहीं है कि जो पहले आया उसका नंबर, ना ऐसा नहीं है। तो मैं गया, उन्होंने कहा कि भाई वेट करो क्योंकि आपकी जो चोट है ना इतनी वो नहीं है। उसने नर्स ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, कुछ सुन तो नहीं हुआ, ब्लैक तो नहीं हो गया था। मैं कहा नहीं, कहता वेट करो भाई, आपसे आगे अभी बहुत सारे पेशेंट हैं, हम उसको देखेंगे। तो मैंने कहा कितना टाइम बता तो सही, कहता टाइम का नहीं पता, 3-4 घंटे लग सकते हैं। भाई साहब 3-4 घंटे में ऐसे लेकर थोड़ा बैठा रहूंगा। तो मैं चला गया क्लिनिक, उस टाइम के ऊपर तो सैटरडे को अंदर पंगा ये भी था, सैटरडे था उस दिन, सारे क्लिनिक भी बंद, पर फिर भी मुझे एक मिल गया, रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे है, पैसे लग गए मेरे, उसकी फीस लगी थी $69 पता नहीं, और ऊपर से $30 ड्रेसिंग के लगे थे, 115 के अंदर मुझे वो आ गया और कुछ पैसे मेरे को वापस आ गए मेडिकेयर के अंदर। काम तो मेरा हो गया ना। और अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस है, मेरे फ्रेंड के पास है, उसने मेडिकेयर के साथ साथ प्राइवेट इंश्योरेंस भी ली हुई है, तो उसको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके प्रायोरिटी मिल गई थी। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि साथ में प्राइवेट इंश्योरेंस भी ले लो। देखो भाई, जान है तो जहान है, सीधी सी बात है। तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करो, रिस्क मत लो। यहां पर हर एक चीज की इंश्योरेंस करवाओ, गाड़ी, मकान अगर आपके पास अपना है, अपनी लाइफ इंश्योरेंस, बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, पैसा वेस्ट होगा। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको कोई बताएगा नहीं, मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। बारिश बहुत तेज हो चुकी है, अभी चलते हैं घर। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि अपने आस पड़ोस में सर्च कर लिया करो, जैसे कि मैंने किया। जरूरी नहीं है, आपके घर के पास मान लीजिए एक है और वहां पर आपको 1.5 घंटा लग रहा है और 15 मिनट दूर जाने के बाद आपकी एकदम से बारी आ रही है, फर्क है, वो आपने देखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, रियल एक्सपीरियंस सिर्फ मैं ही बताता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। प्रीमियम भरना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़े थोड़े पैसे किस्तों में जाते हैं, बंदा एक आधा बार बाहर ना जाए, अपनी एंटरटेनमेंट ना करें, ठीक है ना। लेकिन आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे नीचे इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो कर लो। बाय।